हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट का नाम विंची विन है। तो आज हम विंची विन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, इसको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हमको देखने को मिलते हैं, ये किन किन फसलों में प्रयोग किया जा सकता है, इसकी कितनी मात्रा हमको फसल पर प्रयोग करनी चाहिए, इसको कब और कैसे प्रयोग करें, इसका फसल पर कितने दिनों तक रिजल्ट देखने को मिलता है, तो सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कहते हैं संबंध में नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और इस वीडियो में जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसमें ना तो हम किसी भी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं और ना ही किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से हम इसकी वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस प्रोडक्ट का नाम विंची विन है और ये विंची विन प्रोडक्ट नाथ बायो जींस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को क्रॉप बैलेंसर भी बोला जाता है। इसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड पाया जाता है, फ्लोविक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, इसमें कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं। तो इस प्रोडक्ट में इन तत्वों का ये मिश्रण होता है। अब बात करते हैं कि इसको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये कौन कौन से फायदे करता है, तो हम एक नज़र फायदों पर भी डाल लेते हैं। ये फसल की पैदावार को बढ़ाता है, फूल और फलों को ये झड़ने से रोकता है, फसल की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है, फसल की जड़ों को ये मजबूत करता है, फलों के आकार को भी बढ़ाता है और फलों की चमक को भी बढ़ाता है, फूल फल की संख्या को भी बढ़ाता है और फूल में जो प्रजनन क्रिया होती है उसको ये तेजी से कर देता है। फल वाली फलों में ये उसके स्वाद को भी बढ़ा देता है। इसमें जो अमीनो एसिड, विटामिन, ग्लूकोज, फॉलिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो पाए जाते हैं, इनमें इन तत्वों का अलग अलग काम होता है। जैसे कि इसमें अमीनो एसिड पाया जाता है, तो अमीनो एसिड फसल के तनाव को कम करता है, फसल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम CO2 बोलते हैं उसका ये प्रसार करता है, जिससे फसल की जो वृद्धि होती है वो तेजी से होने लगती है। इसमें कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं, विटामिन की वजह से फसल में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता बढ़ती है और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बढ़ती है, जिसकी वजह से फल में उसका खुद पोषण बनाने की क्षमता हो जाती है। इसमें फ्लोविक एसिड भी पाया जाता है, जो कि ये बीज की अंकुरण क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज भी पाया जाता है, ग्लूकोज फल की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उसका स्वाद भी ये बढ़ा देता है। इसमें जो तत्व पाए जाते हैं, इन तत्वों का फसल में अलग अलग काम होता है। अब बात करते हैं कि इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सेब, आम, अंगूर, लीची, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, पपीता, मिर्च, टमाटर, बैंगन, सेम, भिंडी, मटर, करेला, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, सभी फसलों में आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से जिन फसलों के फलों की बार बार तुड़ाई होती है, उन फसलों में आप इसका एक से अधिक बार भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को आप फसल की किसी भी स्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर प्रयोग करते हैं, तब और भी अच्छा इसका रिजल्ट फसल पर देखने को मिलता है। और इस प्रोडक्ट को हम एक ही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं कि जब भी हम फसल पर छिड़काव करते हैं तो छिड़काव के रूप में ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज की, और इसकी जो डोज है वो फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर और मौसम पर निर्भर करती है कि इसकी कितनी मात्रा हमको फसल पर प्रयोग करनी चाहिए। एक एवरेज इसकी मात्रा आप इसको 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आप पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 से 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको जब भी हम फसल पर प्रयोग करते हैं तो इसका कितने दिनों तक हमारी फसल पर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसको आप एक बार प्रयोग करने से इसका लगभग 12 से 15 दिनों तक आपकी फसल पर रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसको हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे किसी भी कीटनाशक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी फंजीसाइड के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी टॉनिक के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो आपको ये एक विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप इसका घोल बनाते हैं तो इसका घोल सल्फर और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ घोल नहीं बनाना है, और किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप इसका घोल बना सकते हैं। और इसको जब भी आप प्रयोग करते हैं, यदि आप इसका स्टिकर के साथ प्रयोग करते हैं, तब और भी अच्छा इसका रिजल्ट फसल पर देखने को मिलता है। और इसको जब भी प्रयोग करें तो खेत में नमी होनी चाहिए, नमी नहीं है तो आप सिंचाई करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है
इसकी कीमत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती है, रेटें बढ़ती भी रहती हैं। एक अनुमानित रेट इसकी इसकी 25 ml की पैकिंग आपको मार्केट में 180 रुपये से 220 रुपये के बीच में लगभग मिल जाएगी, और हमने आपको एक अनुमानित रेट बताई है, थोड़ा घटबढ़ भी सकती है। आपके यहाँ किस रेट में मिल रहा है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो ये रही बिंचीविन प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। और हमने एक और चैनल खोला है जो कि वीके मोटिवेशन के नाम से है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस चैनल पर आपको जीवन से संबंधित एक से एक नई नई जानकारी मिलती रहेगी, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।